तो गाइस जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि शिनचैन और पिनचैन को एक ही लड़की पसंद आई थी, इसलिए हमने उनके बीच में कंपटीशन कराया था और उस कंपटीशन में शिनचैन जीत गया था। इसलिए यार शिनचैन की शादी होने वाली थी उस लड़की से, पर जब शादी होने वाली थी तब उसी टाइम समुद्र की तरफ से बहुत ही ज्यादा बड़ी सुनामी आ गई और पूरे के पूरे लॉस सेंटोस में सुनामी ही सुनामी हो गई। तो यार वो शादी हो चुकी थी कैंसिल। हम यार कैसे भी करके बच गए थे अपने घर पे, पर हम घर पे भी सुरक्षित नहीं थे, वहां पे भी सुनामी आ गई अगली रात को ही। तो यार हम दो तीन दिनों से पहाड़ों पे रह रहे थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, शिनचैन और पिनचैन की शादी कैसे होती है। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग, आप सबका स्वागत है GTA5 के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है फ्रैंकलिन, आओ फ्रैंकलिन, हमें घूमना जाना है, अभी अभी हमारी शादी हुई है, हमें घूमना जाना है। अरे भाई थोड़ी सुनामी तो कम होने दो यार, फिर घूमने चलेंगे। अरे बेबी हम कब घूमने चलेंगे? अरे चलेंगे, चले टेंशन मत लो। अरे फिकी बे कोई लड़की मिलेगी यार शादी के लिए? अरे भाई पिनचैन मिलेगी मिलेगी। अरे फिकी बे मेरी शादी कब होगी? अरे भाई शिनचैन तू टेंशन मत ले, सबके सब चीजें होगी भाई। शिनचैन तेरी शादी होगी, पिनचैन देखो लड़की मिलेगी, तुम दोनों घूमने जाओगे। अभी रुक जाओ भाई, थोड़ी शांति रखो, अभी यहाँ पे सुनामी आ रखी है लॉस सैंटोस में, अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। एरी वेकी मैं सुनामी को घर भेज दूंगा वापस से। अबे भाई चुप रहो यार, फालतू की बात मत कर, कौन बोल रहा था? एरी वेकी मैं शिनचैन। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं सुनामी नहीं भेज सकता। अरे तुम सब यहीं पे रुको यार, मैं देख के आता हूं सुनामी यार क्या हाल है यार सुनामी के। तो गाइस यार अभी मैंने इनको पागल बना दिया, मैं कुछ सुनामी देखने जा रहा, मुझे पता है कि सुनामी बिल्कुल शांत हो चुकी है, सारी सारी सुनामी जा चुकी है वापस। पर मैंने एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया कि मैं शिनचैन की शादी करा के रहूंगा। शिनचैन की शादी तो आज कैंसिल हो गई थी उस दिन, इसलिए मैंने बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया शिनचैन को सरप्राइज देने का। आज हम उनकी कराएंगे शादी, बहुत ही ज्यादा तगड़ी शादी होगी। इसलिए मैंने से भी बात कर ली थी, मैंने उसको बोला था तू सारी सारी तैयारी कर लियो ताकि मैं इनके साथ रहूंगा और इनको बिजी रखूंगा। तो यार अभी अपन चलते हैं सीधा लेस्टर के पास और उससे बात करते हैं कि भाई कैसे करनी शादी, कहां करनी शादी। तो चलते हैं फटाफट लेस्टर के पास। जब तक आप यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ऑल पे सेट करना, और हम चलते हैं सीधा लेस्टर के पास। तो गाइस यार मैंने यार लेस्टर को यहां पे बुला दिया और अपना लेस्टर यहीं पे खड़ा है, फटाफट से बात करते हैं। और लेस्टर क्या हाल है तेरे? अरे यार फ्रैंकलिन मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूं यार, बता यार शादी की क्या तैयारी है? अरे भाई तैयारी तो कुछ नहीं भाई, देखो सारी सारी तैयारी करनी है। अरे यार थोड़े पैसे दे दे यार, सारी तैयारी कर दूंगा। अरे पैसे तो नहीं मेरे पास। अरे तो यार पैसे तो चाहिए होंगे ना, शादी कैसे होगी? अरे तू टेंशन मत ले, पैसों को तो मैं जुगाड़ कर दूंगा, तो तैयारी तो कर देगा ना? अरे हाँ यार तू पैसे तो दे, मैं सारी की सारी तैयारी कर दूंगा। हाँ तो बस तू टेंशन मत ले, मैं भी थोड़ी देर में यार पैसे लेके आता हूं और तू शादी एकदम तगड़ी वाली रखियो। अरे यार तूने आज तक ऐसी शादी नहीं देखी, ऐसी शादी करूंगा? अरे चल ठीक है यार, मैं फटाफट से यार पैसे लेके आता हूं। तो गाइस यार मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, मैं एक बंदे को जानता हूं जो कि यार बहुत सारे काम कर रहा था पर बहुत ज्यादा पैसा देता है, तो यार उसके पास चलते हैं, वो हमें पैसा जरूर देगा। तो फटाफट चलते हैं उसके पास और थोड़े पैसे लेके आते हैं। तो गाइस यार हम लोग आ चुके उस लोकेशन में जहाँ पे यार उसका अड्डा है। यहाँ पे उसका अड्डा है, देखो भाई यहाँ पे अड्डा बिछा के रखते हैं और उसके पास तो भाई गोल्डन कार्ड्स है, और भाई कितनी बढ़िया बढ़िया कार्ड्स है इसके पास तो। और ये इसके सारे सिक्योरिटी गार्ड ये हमेशा इसके साथ खड़ा रहते हैं, भाई कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड है, अगर हमने कुछ भी किया तो सीधा मार देगा। अरे आओ फ्रैंकलिन आओ, बोलो कितने पैसे चाहिए? अरे भाई तेरे को कैसे पता मेरे को पैसे चाहिए? अरे सब पता है, लोग सिर्फ मेरे पास पैसों के लिए आते हैं। अरे हाँ भाई मुझे पैसे चाहिए, बता यार क्या काम करना पड़ेगा मुझे? अरे पीछे पहले देख ले, बंदे है ना जो बिना गन वाले है ना, वो तेरे को हाथों से मुक्कों से मारेंगे, और जो गन वाले हैं वो गोलियों से मारेंगे। अब मेरी बात सुन, कि जो पीछे सारी की सारी गाड़ियां पड़ी है ना, इन सबको देखो एक जने को डिलीवरी करनी होगी, ये सारी की सारी गाड़ियां उसके पास सही सलामत डिलीवरी होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो देख लेना। अरे नहीं भाई हो जाएगी तो बहुत इजी काम है। अरे कोई इजी काम नहीं है, चोरों की गाड़ी चोरी की। अरे हाँ यार मैं किसी से डरता नहीं हूँ, फटाफट से इस गाड़ी को डालते हैं अपने ट्रेलर में और इसको डिलीवरी करके आते हैं। एक तो मैंने डाल दिए, अभी दो बची है, इसको भी फटाफट से डालते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे यार हमने सारी सारी अपनी गाड़ियां लोड कर दी है सीधा अपने ट्रेलर में, अब फटाफट चलते हैं इस ट्रेलर की डिलीवरी करके आते हैं। और यार ये बोल रहा है कि बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, पर क्या ही खतरा होगा भाई, ट्रेलर में जाके कारें देखे आनी, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। तो फटाफट चलते हैं उसको देख के आते हैं और बहुत सारे पैसे मिलने वाले इस चीज के, तो चलते हैं भाई, इसको धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा, ऐसे पता चले कि ट्रेलर में से कार ही निकल के चली जाए तो। और यहाँ पे वैसे माउंटेन वाला एरिया बिल्कुल आराम से लेके जाना पड़ेगा यार, चलते फटाफट उसको डिलीवरी करने। तो गाइस यार हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा डिलीवरी करने इन व्हीकल्स की, ये वाला घर है यार जहां पे हमको डिलीवरी करनी, तो फटाफट चलते हैं। और उसने बोला था यार कोई बीच में गुंडे मिले तो उनको सीधा ठोक डालना, और पर मुझे तो कोई गुंडे मिले ही नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, अपन पहुंच चुके हैं यहां पे और फटाफट से इनको डिलीवरी देते हैं। अरे भाई साहब आपकी डिलीवरी क्या? अरे हां भाई साहब हमारी डिलीवरी है। तो भाई यार ये हुआ तुम्हारा ट्रेलर आज से, और मैं चलता हूं, मैंने डिलीवरी तो कर दी। अरे भाई साहब रुको तो सही। अरे क्या हो गया यार? बॉयज कैसे हो? ओ गुंडे गुंडे मारो 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 इनको। अरे अरे रुको रुको रुको, अरे मारो इनको मारो मारो इनको, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, गुंडे मेरे को परेशान करने आ गए, ये लो सबको छोड़ूंगा नहीं। अरे रुको तो सही। अरे तुमने ये क्या कर दिया? ये मेरे सारे दोस्त है, अब मेरे नई नई कार्ड देख रहे थे। अरे क्या तुम्हारे दोस्त है? हम तो यहाँ पे रंगों से होली खेल रहे थे, तुमने तो यार खून की होली खिला दी। अरे सॉरी सॉरी भाई भागो यहाँ से, मैंने क्या कर दिया, मुझे लगा गुंडे। अरे भाई अरे ये आईडिया। अरे भाई रुकना रुकना रुकना, और इसको फटाफट से मैंने मार दिया, ऐसी कार यहाँ पे रुक चुकी है,
फटाफट से इसकी कार लेके यहाँ से निकलते हैं। भाई मैंने क्या कर दिया ये, फटाफट चलते उसके पास और अपनी पेमेंट मांगते हैं और उसके जो उसके काम किया मैंने। तो गाइस यार हम लोग आ चुके हैं वापस से यहाँ पे। अरे भाई साहब मैं आ गया। अरे ये क्या कर दिया मैंने। अरे तुमने मेरे दो बंदों को मारा, मैं तुम्हारी आधी पेमेंट काट लूंगा। अरे भाई ऐसे मत करो। अरे चलो यार दो पेटी काट लूंगा। अरे ठीक है काटो बस तुम्हारी पेमेंट दो। अरे तुमने काम तो बिल्कुल ढंग से कर दिया ना। अरे हाँ यार पूछ लो यार फोन करके। अरे ठीक है यार मैं भी तुम्हारी पेमेंट कर देता हूँ बॉयज। तो गाइस यार यहाँ पे हमारी पेमेंट आ चुकी है भाई, कितने सारा गोल्ड है भाई। ठीक है मैं लेके जाऊँ ना। अरे हाँ यार तुम लेके जा सकते हो और इसमें से मैंने दो पेटी ले लिए। अरे ठीक है यार कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमारी ट्रक हो चुकी है फुल्ली लोडेड विद गोल्ड। अब चलते सीधा लेसर के पास, उसको देते हैं ये वाली ट्रक और यार बहुत ही बढ़िया शादी अरेंज करा के देगा लेसर, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो यार अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो शिनचैन की शादी के लिए। अरे लेसर में आ गया, ये ले यार बहुत सारा पैसा। अरे यार फ्रैंकी यार इतने सारे पैसे कैसे आए। अरे भाई तू रखना यार पूरा ट्रक भर के, यार गोल्ड पड़ा है तू इनको बेच के मस्त शादी कराई बस बढ़िया होनी चाहिए। अरे यार तू टेंशन मत ले यार बहुत ही बढ़िया शादी कराऊंगा। तो चल यार मैं चलता हूँ, तू शादी की सारी तैयारी कर दियो। अरे ठीक है यार मैं तेको लोकेशन भेज दूंगा कहाँ पे होने वाली शादी। चल ठीक है तो मेरे को लोकेशन भेज दियो, अभी मैं इसी कार उठा देता हूँ और हम चलते हैं शिनचैन और के पास। मैं उनको थोड़ा बिजी रखने वाला हूँ क्योंकि उनको पता नहीं चलना चाहिए कि यार भाई इसकी शादी होने वाली, शिनचैन को मिलने वाला है बहुत ही ज्यादा सरप्राइज। तो यार फटाफट चलते हैं शिनचैन के पास। अरे शिनचैन पिनचैन सब मैं आ गया, चौपेयर में आ गया। आओ फ्रैंकन क्या खाने के लिए लेके आयो। अरे भाई यार सारी दुकानें बंद है, अभी भी सुनामी और बढ़ती जा रही है, हमें लगता है और ऊपर जाना पड़ेगा। आओ फ्रैंकन ऐसा कैसे, एरी पिकी भी कहाँ जाएंगे ऊपर। अरे हमें घर देख के यार वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, वो बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे। चलो यार मैं जल्दी से बस लेके आता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। एरी टिकी पिकी पे चलते हैं यार। गाइस यार अभी मैं इनको बिल्कुल पागल बना दिया कि यार मैं इनको लेके जाऊँ कहीं दूसरे घर पे, पर मैं इसको लेके जाऊँ इसकी शादी में। चलो जल्दी बैठो। अरे फिकी भाई किसकी शादी में। अरे मैं बोल रहा हूँ तेरी शादी होने वाली ना। अरे यार फिकी भाई पता नहीं कब होगी यार। तो गाइस यार हम लोग निकल चुके हैं अभी अपने नए घर की तरफ। वैसे तो आपको पता ही हम कहाँ जा रहे, तो अगर आपको पता चल गया तो फटाफट से कमेंट कर दो। और हम चलते हैं सीधा यार क्योंकि नहीं यार पहाड़ी पे यार, क्योंकि हमको वहाँ पे सेफ रहना पड़ेगा सुनामी से। चलते हैं सीधा। अरे फिकी भाई जल्दी चलो यार सुनामी आ जाएगी। तो गाइस यार पहले तो अपने घर पे आए। अरे फिकी भाई घर पे क्यों आए अपन यार। और भाई शिनचैन यार अभी अभी पता चला कि सुनामी थोड़ी सी कहीं कम हुई है यार, तो अपन को फटाफट से यार यहाँ से अपना जितना भी सामान चाहिए वहाँ से लेना पड़ेगा। अरे ठीक है पिंकी भैया। गाइस अब इनको मिलने वाला है बहुत ही तगड़ा सरप्राइज और आपको भी सरप्राइज मिलने वाला है क्योंकि यार लेसर ने यार यहीं पे सारी तैयारी कराई थी। अरे पिंकी भैया यहाँ पे ये क्या चल रहा है। अरे भाई शिनचैन ये रहा तेरा सरप्राइज, यहाँ पे होने वाली तेरी शादी। भाई देख मैंने सारी सारी तैयारी कर दी तेरी शादी की। अरे पिंकी भैया सुनामी का क्या हुआ। अरे भाई सुनामी तो यार कल रात में पूरी पूरी कम हो गई थी यार, ये देख कितनी कम हो गई है। अरे पिंकी भैया तो अपने घर के पास ही है यार, अपने घर के पास है मुझे पता है, इसलिए मैंने यार इसके ऊपर ही अपनी शादी का अरेंजमेंट कर दिया। दिखाई जाए आप देख सकते हो भाई कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है, मैंने सारा का सारा शादी का अरेंजमेंट यार इस पानी के ऊपर ही करा दिया, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे सब पार्टी कर रहे हैं और अभी आपको पूरा का पूरा टूर देता हूं यार, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। गाइस यार यहाँ पे बहुत सारे घर डूबे हैं, बहुत सारी गाड़ियां डूबी है, तो मैंने उन सबको बोल दिया था तुम यहाँ पे यार पार्टी में आगे यहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे बेड और बहुत सारी चीजें लगवा दी थी और खाने का भी इंतजाम करा दिया ताकि सबके सब यहाँ पे रह सके और हमारी पार्टी भी हो जाएगी और यहाँ पे रह भी लेंगे। और गाइस यार ये देख सकते हो भाई कितना ज्यादा मस्त हमने ना पाथ चलाया है, बताओ कि फुटपाथ बनाया मस्त चलने के लिए। यहाँ पे देखते हो कितना ज्यादा मजा आ रहा है भाई, सबके सब आराम से फुल मजे कर रहे हैं। यहाँ पे मस्त मस्त बोट भी है बहुत सारी, आराम से यार पानी में मस्त घूम सकते हैं सबके सब। तो गाइस यार कुछ ऐसा दिख रहा है अपना यार, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल आइलैंड की तरह बन चुका है अपने घर के यार, बिल्कुल सामने एक आइलैंड हो चुका है। यहाँ पे हो रही पार्टी और यहाँ पे चलते हैं ऊपर और एक जंप मारेंगे बढ़िया से। ये भी देखो यहाँ पे जंप करने के लिए खड़ा है, अपन भी चलेंगे और इससे भी ऊपर चलेंगे, वहां से जंप मारेंगे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पे और यहाँ से कूदेंगे, 3-2-1 भागो और ये कूदो। ओ भाई सब सीधा पानी में, भाई सब मजे आ गए भाई, कितने मजे आ रहे इधर तो यार। अरे विकी भाई तो बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है। अरे मैंने बोला था ना भाई बहुत ही बढ़िया सरप्राइज दूंगा। अरे विकी आपने कब बोला था यार, अभी सरप्राइज दे रहा तो बाकी रुक जा पंडित जी आ जाओ। अरे विकी भी गीके करने है यहाँ पे। अरे भाई शिनचैन तेरी यही पे शादी होने वाली और अभी की अभी शादी होने वाली, पंडित जी फटाफट से उसकी शादी करा दो। ओके नो प्रॉब्लम, फटाफट से शादी की तैयारी करते हैं क्या तुम पति पत्नी। तो गाइस जब तक इसकी शादी हो रही है आप देख सकते हो भाई कितने ज्यादा बढ़िया बना है, यहाँ पे अपना स्विमिंग पूल है और यहाँ से निकलते ही इतना बड़ा समुंदर, भाई बहुत ही बढ़िया हो गया। अरे देखिए मेरी शादी हो गई। और तो गाइस यहाँ पे शिनचैन की शादी हो गई, तालियां 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 भाई सब तालियां बजाओ यार, फटाफट से कमेंट में लिख दो शिनचैन को कांग्रेचुलेशन क्योंकि हो चुकी है उसकी शादी। अरे देखिए भाई मेरी शादी भी करा दे यार, मेरी लड़की ढूंढ दो। अरे रुक जा, अरे ओ दीदी इधर आओ, ओ दीदी इधर आओ। अरे यार क्या हो गया भैया,
अरे आप इसे शादी करोगे? अरे हाँ भैया करूंगी। एरी वेंकी पे किससे कह रहे हो? अरे भाई देखो लड़की चीज कर रही है ना एरी टिकी वेंकी पे। तो गाइस यार यार पिंचन की भी शादी हमने कर दी है फिक्स। अभी शादी हुई नहीं है पर फिक्स हो चुकी है। तो अगले एपिसोड में हम करेंगे पिंचन की शादी। अगर आपको अगला एपिसोड देखना हो तो फटाफट से कमेंट कर दो। तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो, हमारा प्राइवेट आइलैंड कैसा लगा, हमने सुनामी को बना दिया अपना प्राइवेट आइलैंड। फटाफट से मुझे कमेंट में बता दो आपको कैसा लगा। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से ज्वाइन और फॉलो कर लो ताकि यार वहां पे मस्त मस्त बातें कर सकते हैं। फटाफट से वहां पे आ जाओ। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओ भाई साहब।